गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर में आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा आज। इससे पहले मैंने आपको जो है कितने टेंस होते हैं उसके बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया, और आज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक बार मैं आपको जो है इसका रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारे मेन टेंस होते हैं, मुख्य टेंस कितने होते हैं, तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट दूसरा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर, ये तीन टेंस मैंने आपको पहले बताए थे। अब एक टेंस, एक एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, फोर फोर पार्ट होते हैं इसमें। जैसे इनडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, और परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो चार जो हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी चार बनते हैं पास्ट से, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी फ्यूचर के हो गए चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल कितने टेंस होते हैं हमारे, 12। तो पहला टेंस मैंने आपको करा दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये टेंस मैं आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमें समझना है कि इसकी पहचान क्या होती है। अगर हिंदी में सेंटेंस दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहा हूं, आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहा हूं या रहे हैं, रहे हैं। ये शब्द आते हैं, जैसे वह स्कूल जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। अगर ये दिया है, इसमें रहा रही दे रखा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम उसको पहचान लेंगे। अब इसको रूल्स क्या है, हम इसको कैसे बनाते हैं, इसकी इंग्लिश, पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर नंबर, जैसे ही है, सी है, इट है, ये सब कैसे नंबर है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर, इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकवचन, मतलब एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज, तथा आई, दूसरा आई है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तथा यू
वी दे, ये कैसे नंबर है हमारे? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इसको हम कहते हैं हिंदी में बहुवचन। के साथ आर लगाते हैं, अगर हमें ये रूल आता है तो हम इससे इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। पहचान है, कहीं पर भी कोई सेंटेंस दिया है भाई स्कूल जा रहा है तो हम पहचान लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसको बनाना कैसे? ही सीट, ये कैसे है? सिंगुलर नंबर है। जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं एक वचन होते हैं उनके साथ क्या लगता है? इज लगता है। और आई, आई को हिंदी में कहते हैं मैं, इसके साथ में क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। और बाकी जितने भी प्लूरल नंबर हैं जैसे यू है, बी है, दे है, ये सब क्या प्लूरल नंबर, इनके साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं। अब हिंदी में देखो इसमें लिखा है रहा हूं, तो हमें पहचान पड़ गई कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी हमें इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई, तो आई के साथ में लिखा, आई के साथ एम लगाते हैं, तो हमें जो है यहां पर क्या लगेगा? एम, आई एम। इसमें एक चीज और रहेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, पूरे टेंस में जो है आई एन जी फॉर्म लगती है। अब हमने एम लगा दिया, अब इसकी वर्ब क्या है ये? तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? गो, गो में क्या लग जाएगा? आई एन जी हो गया, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। दूसरा तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, अब देखो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ यू, यू कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है, ये क्या बहुवचन है। हम तुम के लिए किसका, किसके लिए प्रयोग करते हैं? जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होगा तो हम तुम बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? यू, यू के साथ क्या लगाना है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, तो आर लग गया, यू आर। और पढ़ने की जो है रीड, रीड में आएंगी लगी रीडिंग। यू आर रीडिंग द बुक, यू आर रीडिंग द बुक। अब ये मैंने आपको अभी आपको अफर्मेटिव के रूल बताए, अब क्या है निगेटिव? निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है? जो सिंगुलर नंबर होता है, अभी मैंने बताया आपको सिंगुलर नंबर, के साथ इज लगाते हैं, तो इज के बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा, इज नोट लगेगा। इसमें निगेटिव में क्या लगाना? इज नोट लग जाएगा। और दूसरा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन।
रूल नंबर के साथ आर नोट लगेगा, आर नोट, और आई, आई के साथ एम नोट, एम नोट लगाते हैं। बस इसमें क्या अंतर है, उसमें हमें इज लगाना था, एम लगाना था और आर, इसमें क्या नोट और बढ़ गया। जैसे एक सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, वर्ब वही आएगी इसमें भी, पूरे टेंस में चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में कौन सी वर्ब लेगी, आई एन जी वाली, वर्ब की आई एन जी फॉर्म। सेंटेंस है आई एम, तो एम के बाद क्या लगेगा, नोट, आई एम नोट गोइंग टू स्कूल, ये हो गया इसका निगेटिव सेंटेंस। ऐसी कोई एक दूसरा हमें प्लूरल नंबर का सेंटेंस ले लिया, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम की क्या आएगी, वी। अब हम के साथ प्रोल नंबर तो क्या लेगा, आर, आर नोट, वी आर नोट ईटिंग द फूड। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे ई जे एम आर होती है वो सबसे पहले आ जाती है। जैसे क्या, जैसे इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसा सेंटेंस होगा, जैसे क्या, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो इसमें क्या करना आपको, जो क्या की जगह हमें क्या लगाना, इसकी हेल्पिंग वर्ब एम जो है सबसे पहले आ जाएगा। ऐसे होगा एम आई गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ये क्या होता है इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह जो आपको ये सेंटेंस ये बनाने इस टेंस के, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तब इसके स्थान पर इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार अनुसार लगाते हैं। जैसे सबसे पहले जो है क्या आता है इसमें, इज एम आर प्लस उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म।
और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं एक आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या तुम बाजार जाते हो, ये कैसा सेंटेंस है हमारा? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम बाजार जाते हो। हिंदी वाले में भी और इंग्लिश में भी दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अब हमें ये देखना है इसका सब्जेक्ट, ये करता है इसका सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर है, तो कैसा नंबर है? प्लूरल नंबर है। जब प्लूरल नंबर है तो हमें जो है इसके साथ क्या लगेगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो क्या आएगा? आर आएगा। तो हमें क्या की जगह क्या लगाना है? इसकी हेल्पिंग वर्ब आर, आर सबसे पहले आ गया, क्या की अपनी कोई अंग्रेजी नहीं आएगी, तो आर आ गया। आर के बाद ये लिखा देखो प्लस, फिर क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, जो काम का करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो आ गया आर यू, उसके बाद में हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो इसकी वर्ब क्या है? ये जाते, तो हो गया आर यू गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आर यू गोइंग टू मार्केट, और फिर बाद में जो है क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। इस तरह ये आपको सेंटेंस बनाने हैं।